नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 30 मई 2021, और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 118वां एपिसोड सीरीज आपके सामने लेकर हाजिर हूं। कल सैटरडे को यानी 29 मई को जितने लोगों ने सवाल भेजे, अपनी क्वेरी भेजे, उन सारे सवालों को कलेक्ट करने के बाद मैं उसका जवाब लेकर हाजिर हूं। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहां पे नहीं होगी, इसलिए जो भी बताऊंगा सिर्फ एजुकेशनल व्यू के लिए होगा। बाकी जिन लोगों ने रूल के हिसाब से नहीं भेजा सवाल, नियम के हिसाब से नहीं भेजा, उनके सवाल रिजेक्ट हो गए, जो रूल और नियम मैंने लिखे हुए और जो मैंने वीडियो में बताता भी हूँ, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो डालता हूँ सवाल जवाब वाला, एक दिन पहले सैटरडे को 2 मिनट का, उसमें जो रूल लिखे होते हैं उसके हिसाब से जिन लोगों ने भेजा उनके सवाल सेलेक्ट है, तो उन सारे लोगों का सवालों का जवाब लेकर हाजिर हूँ। जिन लोगों के रिजेक्ट हो गए कोई टेंशन वाली बात नहीं, वीडियो पूरा देखेंगे, हो सकता है आपके सवालों का जवाब वहाँ पे आपको मिल जाए दूसरे लोगों के सवालों से। तो चलिए सवालों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल किसका है, किस व्यूअर ने भेजा है और क्या जवाब मिल सकता है। लेकिन मैं बता दूं अपने नए व्यूअर को कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से, वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल देखते हैं किनका है। वेणुगोपाल जी केरला से लिख रहे हैं, पहला सवाल में है। वेणुगोपाल केरला से है, देखिए इनका क्वेश्चन है कि सर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम बैक विथ वन क्वेश्चन। ओके, काफ़ी दिनों के बाद ये लौटे हैं वापस। बट आई एम फॉलोइंग यू इन टेलीग्राम एंड यूट्यूब रेगुलरली। सर आई बाउट जील 250 शेयर एट द रेट ऑफ 214, यानी 214 रुपए के भाव पे 250 शेयर इन्होंने जील का खरीदा है। कैन यू प्लीज टेल द करेंट एंड फ्यूचर ऑफ द स्क्रिप्ट। आई हैव टू क्लियर बाय दिस मंथ। सर योर आंसर आर 101% करेक्ट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, थैंक यू। चलिए वेणुगोपाल जी का देख लेते हैं। जील को इन्होंने 250 शेयर 214 के भाव पे लिया है। तो जील, जैसा कि मैं कंटिन्यू बताता भी रहता हूँ, जील का एक लेवल है वो है शायद 230 का, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि जील किस भाव पे ट्रेड कर रहा है। 211 बिल्कुल वही लेवल है। देखिए जील में प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेंड में खराबी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। जो स्टॉप लॉस आपने 215 के आसपास लिया है ना, जो प्राइस खरीदा है 214 के आसपास, 214 के आसपास, स्टॉप लॉस आपको 170 का लगाना पड़ेगा। थोड़ा स्टॉप लॉस में इसका प्रॉब्लम है सर, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ये बड़ा खोज रहा है कि इसको बड़ा स्टॉप लॉस चाहिए। अब बड़ा स्टॉप लॉस चाहिए तो रिस्क भी बड़ा बन जाता है, लेकिन वही जो रेजिस्टेंस मैं बता रहा था आपको कि 220, जब ये 220 को ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, 220 को ऊपर की साइड में ब्रेक कर जाएगा, देन यू कैन होल्ड। आप होल्ड रखिए इसको 240 टू 260 के टारगेट के लिए, ठीक है, ये टारगेट है 240 260। स्टॉप लॉस लेकिन थोड़ा सा मजबूरी है, आपको यहाँ पे 170 के आसपास का एसएल लगाना पड़ेगा और कोई उपाय यहाँ पे फिलहाल नहीं है। तो ये है व्यू मेरा, अगर ये 220 को ब्रेक कर जाता है 220 को, देन आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा, अच्छा पैसा बनेगा यहाँ पर जी इंटरटेनमेंट में, जील में। तो वेणुगोपाल जी का जवाब मिल गया, उम्मीद करता हूँ फीडबैक जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल है मुरलीधरन जी ने चेन्नई से लिखा है। विश टू बाय टाटा मोटर्स एंड जील ट्रेडिंग 218 एंड 211। ओके, टाटा मोटर्स 218 पे ट्रेड हो रहा है और ट्रेडिंग जो है जील जो है 211 पर, जो अभी हम लोगों ने देखा है फॉर 2 मंथ, 2 मंथ के लिए। आई वुड लाइक टू हैव योर व्यू। देखिए जील में आपको 220 के ऊपर करना है, जील को 220 के ऊपर बाय करना है, पहले बाय नहीं करना है, जो कि अभी मैंने आपको चार्ट भी दिखाया, पहला वाला सवाल जील का ही था। तो 220 के ऊपर जब जील निकलेगा, देन 240 260 के टारगेट बनेंगे। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आपको 200 का लगा के चलना पड़ेगा, आप थोड़ा नीचे 190 भी लेके चल सकते हैं। दूसरी बात है टाटा मोटर्स, अब टाटा मोटर्स के चार्ट को हम चेक कर लेते हैं, क्या टाटा मोटर्स किस लेवल पे ये लेना चाह रहे हैं। टाटा मोटर्स आ गया, टाटा मोटर्स, अब देखिए टाटा मोटर्स, हालांकि ना वही मैं कंफ्यूज हो रहा था कि 218 कहाँ से ये लिख रहे हैं, 218 नहीं 318 है मुरलीधरन जी, मैं भी थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि 218 कैसे हो गया, 318 है, ठीक है, 318 रुपीज़ है, तो 318, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा बाइंग। बाइंग जब भी बनेगा, ब्रेकआउट अभी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस कट जाएगा अपसाइड में ना, अगर वो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में निकलता है तभी आपको
लेवल पोजीशन बनाना चाहिए, और वो आता है 335 के आसपास का। कितना आता है? 335। ये प्राइस को अगर आप साइड में ब्रेक कर जाता है टाटा मोटर्स को, देन आप 300 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिएगा 370 और 400 के टारगेट के लिए, 370 एंड 400 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स को। और जील का जो बात रहा, जील में आपको 220 के एबव, 220 को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तभी पोजीशन बनाना है, उसके पहले पोजीशन नहीं बनाना है। तो ये है मेरा व्यू ऑन योर स्टॉक। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल है जगन्नाथ गिरी जी का, कहाँ? कोंझार स्टेट उड़ीसा। अच्छा, जगन्नाथ गिरी जी ने कोंझार सिटी से भेजा है, उड़ीसा से। आई हैड बाउट टाटा कॉफी 500 शेयर एट द रेट ऑफ 186। 186 रुपए के भाव पे टाटा शेयर के 500 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं, टाटा कॉफी के 500 शेयर इन्होंने खरीदे। शुड आई होल्ड इट फॉर 6 मंथ? 6 मंथ तक ये होल्ड करना चाहते हैं और एग्जिट इन स्मॉल प्रॉफिट और लॉस, या प्रॉफिट या लॉस का तभी एग्जिट होना चाहते हैं। योर व्यूज इन दिस स्टॉक कैंडिडेट। ओके, टाटा कॉफी। सर टाटा कॉफी सर एक आध दिन 6 महीना के लिए क्यों रखते? कॉफी तो पीना ही है ना, कॉफी तो जीवन भर पीना है। सोचिए जरा, एकदम थिंक नॉर्मल से, कॉफ़ी तो जीवन भर पियेंगे हम लोग, नहीं पियेंगे? पियेंगे ना, डिमांड भी तो आगे बढ़ेगा। अब प्लास्टिक का कॉफ़ी तो नहीं निकलेगा कि प्लास्टिक का कॉफ़ी पिए, कॉफ़ी तो वही वाला पीना पड़ेगा, चाहे टाटा कॉफ़ी पीजिए चाहे नेस्कैफे पीजिए, कोई तो कॉफ़ी पीना ही पड़ेगा। चलिए, तो आपने ले लिया सर, बहुत अच्छा है, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन एक दिक्कत, छोटा सा दिक्कत है, और वो है 190 का। अगर इफ़ ब्रेक 190, अगर ये 190 को ब्रेक करता है देन यू कैन होल्ड, तब आप इसको पकड़ के रखिए, यू कैन होल्ड, आप इसको होल्ड करिए। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में जो लगाएंगे आप, 170 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट जो लगाएंगे 220 का टारगेट बनेगा और 250 का टारगेट बनेगा, ठीक है? लेकिन स्टॉप लॉस आप 170 का आपको लगाना होगा। इस जगह पे भी स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर नया एंट्री लेना है तो आपको 190 के ऊपर लेना पड़ेगा, उसके पहले आप नहीं लीजिएगा। लेकिन आपने लिया हुआ है कितना पे वो भी चेक करना ज़रूरी है, आपने 186 पे ले लिया है पहले से, तब सर 170 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करिए। 170 का स्टॉप लॉस कट जाता है तो नीचे गिरेगा, और अगर 190 को ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर आप साइड में 210, 230, 240 ये सब टारगेट आ जाएगा। तो ये है मेरा व्यू आपके टाटा कॉफी पे। तो आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल, फीडबैक देना बिल्कुल आप लोग ना भूले वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हालांकि मेहनत लगेगा टाइप करने में लेकिन कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगा, साई हैदराबाद से लिख रहे, एक्सटी ग्लोबल करेंटली होल्डिंग शेयर ऑफ एक्सटी ग्लोबल फॉर लॉन्ग टर्म, 2-3 2 से 3 साल के लिए उन्होंने एक्सटी ग्लोबल को पकड़ के रखा है, तो वांटेड टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस शेयर। तो चलिए हम लोग एक्सटी ग्लोबल देख लीजिए। मुझे शायद लग रहा है छोटे प्राइस का स्टॉक है, और वो भी BSE का स्टॉक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है बिल्कुल BSE का ही स्टॉक है, 2 से 3 साल के लिए। तब सर टेंशन नहीं लीजिए, अगर आपने 2 से 3 साल के लिए रखा है ना तो फिर इसको भी छोड़ दीजिए, मत देखिए। अब आप कहेंगे स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा भाई। इस जगह पे जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है सर 15 रुपीज़ का पहला, उसके पहले बनेगा 20 रुपीज़ का, ये स्टॉप लॉस है। दिस इज वन स्टॉप लॉस, दिस इज सेकेंड स्टॉप लॉस, ठीक है? ये दोनों स्टॉप लॉस है। अब चूंकि आपका व्यू है 2 से 3 या 2 से 3 साल के लिए, तब इसको मेनी टाइम्स आप रिफ्रेश कर करके मत देखिए, ठीक है? कहने का मतलब है आप हमेशा इसको रिफ्रेश करके मत देखते रहिएगा, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा मत करिए, क्योंकि व्यू आपका थोड़ा बड़ा है। तो आप स्टॉप लॉस रखिए 15 रुपीज़ के आसपास का, और इसको 35 को ब्रेक होने का वेट करिए। कितना? 35। रिसेंटली 35 अगर ये ब्रेक नहीं करके 30 भी पहले ब्रेक करे, 30 को भी अगर ब्रेक करता है देन ये पॉजिटिव होने के चांस यहाँ से बनाएगा एक्सटी ग्लोबल। और एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक है, यानी कि ये क्या है, नेट से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर हम लोग इसका वेबसाइट देखें, अगर इसका वेबसाइट है तो हम लोग उसको एक बार चेक करेंगे कि आखिर ये कंपनी, इस कंपनी का जो भागीदार है, इस कंपनी का जो पार्टनर है, इस कंपनी का जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट बेसिकली कैसा है। अगर क्लाइंट बढ़िया है और किस तरह की सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तब तो समझिए कि फ्यूचर आगे जा सकता है। अगर रहा कि नहीं, इसका क्लाइंट उस ढंग का नहीं है, क्लाइंट बढ़िया नहीं है, अब ये क्या क्या बनाता है करता है ये भी देखना,
क्या इसका डिमांड आगे है कि नहीं, और अकल पार्टनर सॉफ्टवेयर सर्विसेज में दे रहा है टर्म यूटी रख के चल सकते हैं सर, लेकिन इसके पार्टनर जो हैं ग्लोबल पार्टनर जो आपको जैसे कि ये देखिए ये बड़ा है ठीक है कस्टमर, तो ये इसमें कोई नामी कंपनी है या नहीं है ये आपको पता करना पड़ेगा। अगर वो नामी कंपनी सब रहता है तो उसका डिमांड बना रहता है। जैसे कि अभी मान लेता हूँ एफएमसीजी सेक्टर में एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि कोई छोटी कंपनी है ऑडिबल ऑयल बनाती है ठीक है, और उसका पार्टनर उसका कस्टमर है हिंद यूनिलीवर आईटीसी, ये कंपनियाँ अडानी उसका जो है कस्टमर है उस अडानी और हिंद यूनिलीवर और आईटीसी उसे खरीदती है, तो जाहिर सी बात है उसका काम कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियां मार्केट लीडर कंपनियां उससे ऑडिबल ऑयल खरीद रही है। तो इसका मतलब हमारा कस्टमर पे भी डिपेंड करता है कि उस कंपनी का कस्टमर क्लाइंट कैसा है, अगर क्लाइंट बेहतर है तो कंपनी चलेगी। हालांकि छोटे प्राइस का स्टॉक है इसमें ज़्यादा कुछ आपको परेशानी नहीं है, लेकिन 35 ज़्यादा बेहतर होगा अगर ब्रेक करे तो एक अच्छा मूवमेंट फिर स्टार्ट करेगा। और चूंकि 3 ईयर्स का व्यू है तो अभी इसको क्या करते हैं आंख बंद करके रखिए, 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकिन मेंटेन करके चलिएगा। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल है और वीके खत्री साहब ने दिल्ली से लिखा है, बायोकॉम को 380 पे लिया है, गुजरात गैस को 510 पे लिया है, बंधन बैंक 290, HDFC लाइफ 658। बहुत बढ़िया सर, सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। बायोकॉन 400 का एक सर हर्डल है, इसको बायोकॉन को 400 का हर्डल है जो मैं अपने निफ्टी फार्मा और आईटी स्टॉक्स में बताता रहता हूँ। 400 का हर्डल, 400 ब्रेक हो जाएगा, और बायोकॉन में बार बार उस वीडियो में बोलता भी हूँ कि बायोकॉन अभी मौका दे रहा है सबको कि भाई जो लेना है ले लो, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। गुजरात गैस इसका पोर्टफोलियो भी बना के मैंने गुजरात गैस का सर ऑलरेडी दिया है, आप देख सकते हैं अपने स्टॉक्स बहुत अच्छा लिया, स्टॉक्स में खराबी बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी एक एक करके हम लोग चार्ट देखेंगे, जैसे बायोकॉन, चलिए बायोकॉन क्या कर रहा है, बिल्कुल वही 400 का एक हर्डल है, हालांकि आपने 380 पे ही लिया है, नीचे की साइड में ही लिया है, तो आपका बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है 360 का, इससे छोटा स्टॉप लॉस तो बन ही नहीं सकता। 360 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रख के चलिए। अभी बायोकॉन एक बार अगर 400 को ब्रेक कर जाता है सर, देन आपको ये बहुत बड़ी रैली दिखाएगा, फिर अपसाइड के मूवमेंट में आप 500 तक के स्टॉक्स जाते हुए देख सकते हैं। बस अब तो 400 का एक हर्डल है, वो ब्रेक हो जाए तब बायोकॉन में, लेकिन इस कंडीशन में 360 का ऐसा लगा लीजिए। गुजरात गैस कोई प्रॉब्लम नहीं, 510 पे लिया है, पकड़ के रखिए। गुजरात गैस सबका फ्यूचर बहुत बड़ा है सर, आगे आपको अच्छा मूवमेंट बनेगा गुजरात गैस में। तो यहाँ गुजरात गैस है ना, गुजरात गैस, चलिए गुजरात गैस क्या होता है, GSPL, गुजरात गैस कहाँ गया, चल भाई यहाँ गुजरात, अच्छा सॉरी मैंने BSE का खोल दिया, गुजरात गैस ये NEC 510 पे लिया, बिल्कुल करेंट प्राइस पे लिया, तो सर कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक है। स्टॉक्स मैंने क्या बोला कि स्टॉक्स को अगर हम प्रॉपर देखें तो स्टॉक इज़ वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, स्टॉक्स ने आपने लिया है कोई प्रॉब्लम वाली, आपके सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन इस कंडीशन में अभी आपने लिया ना, तो आप छोटा सा कि स्टॉप लॉस लगा लीजिए। यहाँ पे पहला तो आपको लगाना पड़ेगा 500 का, ये छोटा स्टॉप लॉस है, मैंने लगती पिलती वाला है, और लेकिन अगर सही से स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 475 का लगाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप 475 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 525 का लेबल इसको ब्रेकआउट का वेट करिए। अगर ये 525 ब्रेक कर गया देन आपको ये 550, 570 और 600 तक के टारगेट आपको दिखाएगा गुजरात गैस। ये व्यू है मेरा गुजरात गैस पे, आप बायोकॉन पे भी बता दिया। अगला स्टॉक था आपका HDFC लाइफ, सर बेहतरीन स्टॉक्स है, कोई टेंशन नहीं, आपने 4 स्टॉक्स लिए, चारों बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, और नीचे के भाव पे आपने लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है, 658 पे लिया है। बंधन बैंक बहुत ही बढ़िया, बंधन बैंक का तो मैंने बताया भी है और वीडियो भी ऑलरेडी उसका एक बना हुआ है, उसको मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, आप देखेंगे तो बंधन बैंक के सारे, कल मैंने एक वीडियो डाला था ये कि एंट्री लेवल कैसे निकालें, सही एंट्री लेवल कैसे निकालें, अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे स्टॉक्स को वॉच करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे उसका प्राइस को निकालना चाहिए। HDFC लाइफ 658 पे लिया, 680
680 अगर ये ब्रेक करता है, 680 अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, देन अच्छे मूवमेंट आपको 720 तक का दिखाएगा। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आप 640 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड रखिए। बंधन बैंक अभी तो बिल्कुल नीचे के भाव पे है बंधन बैंक, लेकिन लोग यहाँ पे लेना नहीं चाह रहे, डर लग रहा है कि और नीचे कहीं तो नहीं गिर जाएगा। मैंने यहीं पर जब ये स्टॉक्स आया था मैंने तभी बोला था भाई ये आपको बिल्कुल मौका दे रहा है कि आप लो 280 के आसपास। देखिए वहाँ से 280 से 300 चला गया 20 पॉइंट, और मैंने ये भी बोला हुआ कि 300 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता रह गया 300 के ऊपर, देन ये आपको अच्छे मूवमेंट 320 340 ये सारे लेवल आपको दिखाएगा। पकड़ के रखिए बंधन बैंक को। स्टॉप लॉस अभी अगर आपने 300 पे लिया तो 280 का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं बंधन बैंक में। बंधन बैंक 290 पे लिया तो और नीचे है 280 का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का आपका रिस्क बन रहा है, कोई बड़ा रिस्क है ही नहीं, तो बहुत अच्छा है। तो मैंने आपको टारगेट भी बता दी, स्टॉप लॉस भी बता दी, और स्टॉक्स आपका बढ़िया है। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल है अमन जी दिल्ली से लिख रहे हैं। देखिए इनका सवाल है, अमन जी दिल्ली से लिख रहे हैं कि बिगनर्स एफएनओ के बारे में कहाँ से लर्न करें। पहला सर आपकी ऐप में आपको मैसेज करने का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, इसलिए व्हाट्सअप कर रहा हूँ, प्लीज़ बताओ। सर ऑप्शन है, एक्चुअली आप नहीं देख पा रहे, मैं आपको इसे बता दूंगा। और सबसे पहले तो देखिए सर, पहले आप भी कुमार फरीदाबाद, विकास कुमार फरीदाबाद के नाम से मैसेज करते थे, आजकल आप 2 सप्ताह से अमन कुमार हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक है। विकास कुमार फरीदाबाद अमन कुमार में कन्वर्ट हो गए, खैर कोई बात नहीं, आपका नाम है आप जो करें, लेकिन मैं आपको मैसेज कैसे करना है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैसेज करने का तरीका मेरे ऐप में, ये लोग जो है ना सर, ये दिखाता हूँ मैं आपको, दिल पर नहीं लेना, ये सारे लोग मेरे मैसेज चैट बॉक्स में ही, मेरे मैसेज मोबाइल ऐप के चैट बॉक्स में ही इन लोगों ने भेजा है, जैसे संजय मुंडाडा साहब, सुनील शर्मा साहब, सारे लोगों ने। कैसे भेजना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए सर ये जो है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये वी कुमार करके, ये आप ही का है, ये मेरे मोबाइल ऐप में है, ठीक है। ये मोबाइल ऐप में आपका वी कुमार के नाम से है, ठीक है, क्लियर। और ये सारे मैसेज मेरे गए हुए हैं जो मैं भेजता रहता हूँ वीडियो के लिंक वगैरह देखने के लिए। तो कल रात में 10:10 पे मेरा लास्ट मैसेज गया था, सही एंट्री लेवल कैसे निकालें। यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये वाला मैसेज आपको मिला होगा, आप चेक कर लीजिए मोबाइल ऐप में, ये वाला मैसेज मिला होगा। उसके ठीक नीचे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे लिखा है राइट समथिंग हियर। फिर से देखिए क्या लिखा है, राइट समथिंग हियर, यहाँ पे पढ़िए राइट समथिंग हियर। मैं जूम कर दूँ तो क्या, जूम करता हूँ तो फिर और अच्छा से आपको नज़र आ जाएगा, फिर आपको वहीं पे टाइप करना है, ठीक है। और ये मैं करता हूँ जूम, थोड़ा सा कर दिया जूम, तो ये सारे मैसेज गए, अब ये सारे मैसेज चले गए। लास्ट वाला मैसेज देखिएगा, मैं लास्ट मैसेज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो ये लास्ट मैसेज मेरा 10:10 पे गया है, और इसके ठीक नीचे राइट समथिंग हियर करके एक ऑप्शन बना है, यहाँ पे ये अटैचमेंट है, यानी कि कोई इमेज अगर आप डालना चाहें, भेजना चाहें, तो आप अटैच करके भेज सकते हैं। बोल कर भेजना चाहते हैं कुछ बोल, तो यहाँ माइक का ऑप्शन है, इसको दाब के रखिएगा और बोलिएगा तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, अब मेरे पास आ जाएगा। और यहाँ पे सेंड का बटन है, ये वाला, लिखने के बाद सेंड का बटन दाबिएगा तो मेरे पास आ जाएगा। तो ये जो राइट समथिंग हियर है ना, उस मैसेज के नीचे में आपको यहीं पे लिखना है, आप देखिएगा अपने मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था आपका कि कैसे भेजना, उसका आंसर मैंने आपको कर दिया। अब मैं बढ़ूंगा आपके दूसरा जो स्टॉक्स एफएनओ वाले हैं उन सब पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि एफएनओ के बारे में कहाँ से लर्न करें। सर एफएनओ के बारे में, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, सबसे पहले तो आपको इसका ऑप्शन चेन पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन चेन पढ़ना आना चाहिए। ऑप्शन चेन कहाँ से पढ़ेंगे, तो देखिए सर पहली बात तो अगर आपको बेसिक सारे चीज़ पता है, पहले तो आपने दो चीज़ ऐसे लिखे, पहला तो आपने लिखा बिगनर। अगर आप बिगनर हैं तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आपको पहले इक्विटी कैश पे काम करना चाहिए। अब यहाँ जैसे ही मैंने कहा ना इक्विटी कैश, अब आपको परेशानी शुरू हो जाएगा, अरे यार मैं तो इससे एफएनओ पूछता हूँ, ये मुझे इक्विटी कैश में बता रहा है। लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि आपने लिखा है बिगनर, है ना, तो बिगनर को मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि भाई आप पहले इक्विटी पे हाथ साफ कर लो। इक्विटी पे अगर हाथ साफ कर लोगे ना, इक्विटी दैट मीन्स क्या है, ये एक तरह का बोर्ड एग्जाम है, 10th का एग्जाम है, ग्रेजुएशन नहीं है,
ठीक है। और जो FNO है ना, FNO वो है ग्रेजुएशन। तो आप पहले बोर्ड एग्जाम तो पास कर लो, फिर FNO ग्रेजुएशन भी पास कर लेंगे। तो आप अगर इक्विटी कैश पे कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि चार्ट जब भी होता है ना सर, चार्ट आप लोग देखते होंगे जब आप मार्केट में आपको चार्ट का कोई एनालिसिस बताता है, तो वो कैश के चार्ट बताता है, वो फ्यूचर के चार्ट आपको नहीं बताएगा, क्योंकि कैश का चार्ट ही फॉलो करता है फ्यूचर को। अगर कैश में वो मूवमेंट आ रहा है तो FNO वाले चार्ट में भी अगर कैश का वो लेवल ब्रेक होता है तो FNO के लेवल जहां पर भी मिलते हैं वहां पे बाय या सेल की एंट्री बनती है। जैसे मैं ही 3 स्टार 3 स्टॉक देता हूं, तो मान लेता हूं कि मैंने बोल दिया बंधन बैंक को 300 पे खरीद लो, एक एग्जांपल। तो बंधन बैंक ये कैश के लेवल है, लेकिन उस वक्त अगर फ्यूचर में जो भी प्राइस चल रहा होगा, सपोज है ना, मान लेता हूँ 305, अगर ये 300 ब्रेक कर रहा है, फ्यूचर में 305 है, तो इसी जगह पे फिर हमारा एंट्री फ्यूचर में भी बन जाएगा। तो इसका मतलब है कैश के चार्ट से रिलेट हो जाता है FNO। इसलिए मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आपको कैश का कमांड करना चाहिए। अब बात है कि सीखना का है, लेकिन फिर भी जिद पकड़ लेंगे, नहीं हमको पहले ऑप्शन ही सीखना है। तो सर आपको इसका ऑप्शन चैन एनालिसिस पढ़ने का कोशिश करना चाहिए, ऑप्शन चैन एनालिसिस। और मैं चूंकि ऑप्शन चैन एनालिसिस करता नहीं, मैं तो बस अपने चार्ट को फॉलो करता हूँ, तो इस बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाऊँगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन में करते हैं, लेकिन कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही बताता है, कौन गलत बताता है, सर ये मैं आइडिया इसलिए नहीं दे सकता, कारण कि जिस होटल का खाना मैंने खाया नहीं, उस होटल के खाने का स्वाद मैं कैसे बताऊँगा, ठीक है। यानी जिसको मैं जानता नहीं, जिससे को पहचानता नहीं, उसके बारे में मैं कैसे बोल दूँ कि वो अच्छा सिखाता है या वो ख़राब सिखाता है। हाँ, पहले अगर एक काम ये कर सकते हैं कि आप NEC इंडिया, ठीक है, NEC इंडिया के ऑप्शन चैन को रीड करना स्टार्ट करिए, ठीक है, ऑप्शन चैन को रीड करना आप स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे ऑप्शन चैन वाला डाटा आता है, आप उसमें रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आना लग जाएगा। बाकी आप तो YouTube वगैरह सर्च करते ही होंगे, आपको वहाँ पे बहुत सारे चीज़ मिल जाएगी। तो ये आंसर मैंने आपको कर दिया। दूसरा, ऐप में कैसे चैट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, एक दिखा दिया ना एग्जांपल की कैसे करना, उम्मीद करता हूँ वो उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और रही बात आपका नाम, तो सर इसमें मैं सबको बोलता हूँ, इसको दिल पे मत लीजिएगा। देखिए, हमारे माँ बाप ने हमको दो, हो सकता है आपको 4-5 नाम हो, तो उससे कोई दिक्कत फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक ही नाम है तो उसको क्यों बार बार चेंज करते हैं? कारण कि हमारे माँ बाप ने हमको क्या दिया, एक नाम दिया, उसको तो कम से कम रहने दें सही से। कभी भी कुमार, कभी विकास कुमार, कभी अमन कुमार, कभी सूरज कुमार, ऐसा होना अच्छा नहीं है, क्योंकि माँ बाप का एक नाम मिला है हमें। माँ बाप जब नाम देते हैं कितना सोच के देते हैं, अरे क्या नाम रखूँ इसका, इसका नाम रख देता हूँ अमन। नहीं, अमन कैसे रख दो, दूसरा कहेगा नाम तो देखो पंडित से दिखाएंगे और उसके बाद जो है ये, तो कितना सूरज होना चाहिए इसका नाम, कितना आर्गुमेंट एक दूसरे से होते हैं, कितना चीज़ों को क्या था, तब एक नाम मिलता है। और उस नाम को भी अगर हम लोग बदलते रहे हर 2 महीने पे तो अच्छा नहीं है ना सर। तो खैर, वो आपका प्रॉब्लम है, वो आप देख लीजिए कि आप अपने नाम को बना के रखते हैं या बिगाड़ के रखते हैं। हो सकता है 4-5 नाम हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन नाम मत बदलिए सर, क्योंकि एक माँ बाप से जो मिला है कम से कम वो नाम तो हमारे पास रहे। तो चलिए, ये चीज़ें हो गई और आपको ये ऑप्शन मिल गया। अगर मेरी बात अगर बुरी लग रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, अमन साहब, विकास साहब, जो भी है आपका ओरिजिनल, और दूसरे लोगों से भी कहूँगा कि हमें चीज़ों को ना, देखिए जो चीज़ हमें बड़े दे के गए बड़े बुजुर्ग, उसका कम से कम हम रिस्पेक्ट तो करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है जो लाइफ में रहे माने फिर वो आपको दोबारा नहीं मिल सकता है जीवन में, एक ही बार मिलेगा, ठीक है, दोबारा नहीं मिल पाता है। तो कम से कम जो एक ही बार मिलेगा उसको कम से कम हम ना बिगड़ने दें, उसको संभाल के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो खैर अमन जी, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहूँगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, तो इसके लिए आगे बढ़ूँगा। और आगे के सवाल हैं, किनका सवाल है, लेकिन दिल पे मत लीजिएगा, आगे बढ़ता हूँ। और आशुतोष कुमार जी ने क्या भेजा है, देखिए कहाँ गए, हाँ यहाँ इन्होंने, सर इस तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है आशुतोष जी, आप टाइप करके भेजें वो ज़्यादा बेहतर है, इस तरह से भेजने में ना थोड़ा सा क्या होता है प्रॉब्लम होता है। अभी देखिए मैं ऐसे अगर जूम करूँगा तो आपका नाम नीचे चला जाएगा, है ना, इसे करूँगा तो देखिए नाम चला गया नीचे, तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश किया है आपने, ठीक है, टाइप करके भेजें तो खैर ये भी ठीक है, कोशिश करूँगा। लेकिन इतना बड़ा मान लिए और लिस्ट बड़ा हो जाता है, एक एग्जाम सोचिए और लिस्ट बड़ा होता तो ये शायद मेरे स्क्रीन पे ही नहीं आता, समझ रहे ना, लिस्ट अगर बड़ा हो जाता तो और स्क्रीन में नहीं आता। हाँ, टाइप करके भेजते तो थोड़ा छोटा मार देता, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और जूम करके पहले मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है आपने।
अगर मेरे नए व्यूवर लोगों ने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए भाई, क्योंकि लाइव मार्केट में कॉल वहीं पे मिलता है। टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, लेकिन मोबाइल ऐप डाउनलोड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन्होंने लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स ए लॉट प्रोवाइडिंग सच वैल्यूबल एजुकेशन, आई एम रेगुलर फॉलोअर ऑफ योर प्रोग्राम, थैंक यू सर। आई हैव सम होल्डिंग स्टॉक, आई वॉन्ट योर ओपिनियन ऑन माई होल्डिंग, वाट विल बी द स्टॉप लॉस इन दिस स्टॉक्स, टॉप अप पॉइंट प्राइस ऑन विच आई कैन एड मोर क्वांटिटी, आल्सो सजेस्ट इन विच स्टॉक आई बुक प्रॉफिट, एग्जिट एंड इन्वेस्ट इन सम अदर स्टॉक एज सजेस्टेड डिस्कस्ड इन योर रेगुलर वीडियो विच विल हैविंग मोर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ट्रेडिंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्टेड स्टॉक बोल देता हूं कि मैं कंटिन्यू, कल भी मैंने पोर्टफोलियो बना के दिया है, 25,000 का पोर्टफोलियो वाला वीडियो बनाया है, बाजार हाट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। उसका हेडिंग मिलेगा स्मॉल कैश करके, क्या मिलेगा स्मॉल कैश के बारे में जाने सब कुछ, ठीक है, पहली बात समझिए, स्मॉल कैश के बारे में जाने सब कुछ। इस तरह से मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें 25,000 का पोर्टफोलियो मैंने बनाया है अलग अलग स्टॉक से, 5 स्टॉक के साथ, तो आप उस स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। दूसरा, मैंने 50,000 का पोर्टफोलियो बना के आरके ट्रेडिंग चैनल पे दिया है 3 साल के लिए, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और कंटिन्यू मैं रिकमेंड करता जाता हूँ स्टॉक डेली, तो आप उसमें से अपने कम्फर्ट जोन का स्टॉक ढूंढ लीजिए और आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं लेवल आने पर। तो ये चीज़ें तो हो गई पहली बात। दूसरी बात है, अब आपके स्टॉक्स को देखेंगे कि क्विटास बैंक को आपने 200 क्वांटिटी लिया है, 54.60 रुपये पर इनका एवरेज प्राइस है, LTP 61.62 रुपये चल रहा है, प्रॉफिट 1320 रुपये का हो रहा है, 12% का प्रॉफिट चल रहा है, तो स्टॉप लॉस क्या होगा इक्विटास बैंक, बहुत ही बढ़िया। चलिए हम लोग इक्विटास बैंक को चेक करते हैं, HDFC बैंक, इक्विटास बैंक और HDFC बैंक, तो पहले दोनों बैंक को ही निपटा लेते हैं, इक्विटास बैंक, और ये आ गया इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए अब देखिए, आपने लिया है इसको 54.60 रुपये पे, और स्टॉप लॉस जो आपको इस वक्त लगेगा ना सर, स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ का लगेगा, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, यहाँ से थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन यही करेक्ट स्टॉप लॉस है, ठीक है, 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। एक बार अगर ये 60 ब्रेक करेगा, देन पहला टारगेट 70, उसके बाद जो भागेगा ये 80 के रेंज की तरफ भागेगा इस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। दूसरा है आपका HDFC बैंक, तो चलिए हम लोग HDFC बैंक को भी चेक कर लेते हैं। और HDFC बैंक आपने लिया है जो 10 क्वांटिटी लिया, खैर क्वांटिटी से मुझे मतलब नहीं, 81% का प्रॉफिट है, ये इम्पोर्टेंट है, 830 रुपये पे लिया है, बहुत बढ़िया। तो आप 830 रुपये पे लिया, लगभग देखिए 100% का प्रॉफिट होने वाला, 830 रुपये का स्टॉप लॉस दिया, बहुत ही शानदार, 1440 ये स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 1440 के आसपास होल्ड कर रखिए, 1520 को जैसे ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड में 1550 से 1600 तक के टारगेट HDFC बैंक आपको दिखाएगा। हीरो मोटोकॉर्प एक स्टॉक लिया है 3129 रुपये, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट और लॉस से मतलब होना चाहिए, रिस्क से मतलब होना चाहिए, 3129 कोई दिक्कत नहीं सर, हीरो मोटोकॉर्प में बने रहिए, कोई ऐसे स्टॉप लॉस जान लीजिए, मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ। हाँ, स्टॉप लॉस आपको 2800 का लगाना होगा, 2800 का स्टॉप लॉस लगाइए। ICICI प्रू लाइफ आपने लिया है, ओके चलिए हम लोग चेक करते हैं, ICICI प्रू लाइफ 376 पे लिया है, बहुत बढ़िया सर, ICICI प्रू लाइफ होल्ड रखिए ना, क्या टेंशन है, ICICI प्रू लाइफ होल्ड रखिए, अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं कहूँगा अभी आप इसको होल्ड रखिए सर, ICICI प्रू लाइफ वगैरह को ना अभी होल्ड रखिए तो मज़ा आएगा इसमें, फिर आपको अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे ICICI प्रू लाइफ में। ऊपर की साइड में अगर ये 560 को ब्रेक कर देता है, देन अप साइड के लेवल 580 से 600 तक जाएगा, स्टॉप लॉस 520 रुपये का लगा के आप चल सकते हैं, तो स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 520 का। अगला स्टॉक है आपका, वो उसको चेक कर लेता हूँ, उसको चेक करूँगा, IRCTC, इसको तो भूल ही जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए रखा है 10 साल के लिए, तो बहुत बढ़िया बात, 323% का रिटर्न मिल रहा है, शानदार। ITC को भी पकड़ के रखिए, ITC में सर स्टॉप लॉस को अभी बात मत करिए, ITC को पकड़ के रखिए लंबे समय के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, 1% का मात्र लॉस है तो उसमें क्या दिक्कत है, वो ओनली 1%। ITC को भी जैसे IRCTC को आपने कहा ना कि 10 साल के लिए, तो मैं कहूँ, मेरा व्यू है कि आप ITC को भी लिख दीजिए यहाँ पे 10 ईयर्स, ठीक है 10 ईयर्स, और इसको भूल जाइए। और उसके बाद अब SBI कार्ड है, 755 पे लिया है, 1047 चल रहा है, बहुत बढ़िया, 38% का प्रॉफिट है, तो इसका स्टॉप लॉस देख लेते हैं, 755 पे आपने 755 पे आपने SBI कार्ड लिया है, तो SBI कार्ड
और ये आ गया SBI का 755 पे लिया, बहुत बढ़िया है। 740 पे लिया है, 50 पे लिया, तो 950 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 950 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1100 को यानी 1100 को ऊपर ब्रेक करेगा, 1150 से 1200 तक के टारगेट SBI कार्ड में आपको मिलेंगे। टाटा मोटर्स, मैं चाहूँगा टाटा मोटर्स, मेरा व्यू आपने 68 पे लिया है, 366% का प्रॉफिट चल रहा है, तो आप टाटा मोटर्स को भी लंबे समय के लिए रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाटा मोटर। हाँ, प्रॉफिट अगर क्वांटिटी बड़ा रहता तो कुछ क्वांटिटी को बुक किया जा सकता था, लेकिन चूंकि नहीं है, छोटी सी क्वांटिटी है, 68 क्वांटिटी है, डजन मीटर, अभी आप इसको होल्ड रखिए सर, टाटा मोटर्स को। इतना जल्दी इसमें प्रॉफिट बन रहा है, तो अगर प्रॉफिट बुक करना है तो मैं कहूँगा कि आप 50% माने क्वांटिटी आधा कर लीजिए, 100 क्वांटिटी ना 50 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको लंबे समय के लिए टाटा मोटर्स को रखिए। रीज़न मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब अभी आएगा इंडिया में, तो ये सब के वजह से ना इसमें मूवमेंट बनेंगे। मूवमेंट हालांकि बना, काफ़ी नीचे से बना, 68 से 318 तक आ गया, तो मूवमेंट तो ऑलरेडी बना, लेकिन अभी इसमें स्ट्रेंथ और भी है अपसाइड जाने के। लेकिन अगर आपको लगा है कि 366% का प्रॉफिट है, तो आप 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 50% प्रॉफिट बुक करके बैठे रहिए। और TVS मोटर, अब ये बात है कि TVS मोटर का आपका स्टॉक है 477 पे लिया, स्टॉप लॉस मेंटेन करते जाइए TVS मोटर में सर, TVS मोटर में। चलिए TVS मोटर के चार्ट देख लेता हूँ, 477 पे आपने लिया है, 477 स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, आप इसका 560 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रखिए, ऊपर 640-645 ब्रेक करेगा तो 680 तक के टारगेट, फिर अपसाइड में और 700 तक जाने के चांस बनेगा TVS मोटर में। तो ये आशुतोष जी का सवाल का जवाब मैंने दे दिया, भुवनेश्वर उड़ीसा से इन्होंने पूछा था, तो जैसे मैंने आपका सवाल का जवाब दिया, कृपया अपना फीडबैक भी देना आप बिल्कुल ना भूलें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अब आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल लेता हूँ, और अगला सवाल चलिए देखते हैं किन का है। अगला सवाल है औरंगाबाद से संजय मुंडाडा जी ने लिखा है कि 5 स्टॉक बाउट अंडर स्मॉल कैश एंड सेम 5 स्टॉक विथआउट स्मॉल कैश, स्मॉल कैश में जो है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबव 2 इन्वेस्टमेंट एंड विच इज मोर बेनिफिशियल। देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि 5 स्टॉक्स खरीदा स्मॉल कैश के अंदर और 5 स्टॉक विथआउट स्मॉल कैश। देखिए स्मॉल कैश होता क्या है, इसको आप समझिए, स्मॉल कैश एक तरह का बास्केट होता है, जैसे कि आप चले गए मार्केट, है ना, और मार्केट चले गए और आपको लेना है क्या, आपको लेना है अमरूद, ठीक है, आपको लेना है केला, आपको लेना है सेब, आपको लेना है नारंगी, ठीक है, नारंगी ऐसे, और आपको लेना है आम, तो ये आपको 5 फल लेना है, तो आप 5 एक एक करके खरीदेंगे, है ना, तो आपको खरीदने में टाइम लगेगा पहला बात। और एक बंदे ने क्या किया, वो टोकरी बना के रखा है, इसमें ये 5 फल को डाल दिया, तो आप क्या करेंगे, अरे ये तो हमको लेना ही था, तो ये पूरा टोकरी ही दे दो मुझे, यानी आपने एक बार में वो सब ले लिया, समझ रहे हैं ना, यानी एक ही बार में, तो इसमें एक तो टाइम कम लगा पहली बात, और दूसरी बात क्या है कि ये टोकरी जब बन जाता है ना, तो आपको हर बार खुदरा खुदरा लेने का जरूरत नहीं होता है, आप बार बार क्या करते हैं, वो बास्केट ही खरीदते हैं, तो जिससे क्या होता है कि आसान हो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट पहली बार। दूसरी बात कि कोई डिफरेंस नहीं है, आप सिंगल सिंगल भी खरीद सकते हैं और चाहे तो बास्केट भी खरीद सकते हैं। बास्केट में होता क्या है कि मान लेता हूँ कि कोई स्टॉक्स में पॉइंट में भी देने की क्षमता रखता है, बास्केट में क्या करता है कि वो एक SIP अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं पूरे बास्केट में, तो वो पूरा बास्केट का क्या करेगा कि हम अच्छे पूरा नहीं दे ले पाएंगे, पूरा बास्केट का तो 25,000 रुपया आ रहा है इसका दाम, मैं मेरे पास तो 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया है ना, तो मुझे 5,000 में दे दो ना, तो ये बास्केट का सारा फल आपको देगा, सारा फल आपको देगा, लेकिन छोटा छोटा हिस्सा देगा, उस फल का काट के छोटा छोटा हिस्सा देगा, यानी कि बास्केट में क्या होता है कि आप SIP जब स्टार्ट करते हैं ना, तो हर एक बार स्टॉक मिलते हैं आपको छोटे छोटे हिस्से में परसेंटेज मिलना उस स्टॉक का स्टार्ट हो जाता है बास्केट में। लेकिन अगर आप अलग से करते हैं तो आपको उसका पूरा का पूरा क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी ऐसे खरीदना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप अलग से भी खरीदिए कोई दिक्कत नहीं, बास्केट से भी खरीदिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रहता दोनों में स्टॉक ही है सर, रहता दोनों में स्टॉक ही है, कोई डिफरेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मॉल कैश थोड़ा सा इजी हो जाता है, और इजी हो जाता है SIP में भी इजी हो जाता है, आपको बनाना हर बार क्या होता है अलग अलग स्टॉक को SIP में खरीदना पड़ता है, और यहाँ क्या करते हैं आप एक ही बार उस बास्केट को ही ले लेते हैं हर मंथ, तो आपको एक बार में सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, बस ये अंतर, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी स्टॉक्स वही होते हैं जो आप खुदरा लेके बैठेंगे, अलग से लेके बैठेंगे वही स्टॉक उसके अंदर भी है। आगे बढ़ूंगा, बलिया UP से सुनील शर्मा साहब ने लिखा है, MRPL को 50 रुपये पे बाय किया है, मोरपेन को 59 पे, शॉर्ट टर्म का क्या लेवल होगा। तो चलिए MRPL को देख लेंगे, MRPL मैंगलोर रिफाइनरी,
कितना पे लिया है इन्होंने, 50 पे लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस आपको 44 का लगा के रखना होगा, और अगर ये ऊपर 53 के लेवल ब्रेक करता है देन ये 56 और 60 तक के टारगेट लगाएगा MRPL। और दूसरा है मोरपेन, तो मोरपेन में क्या प्रॉब्लम है, मोरपेन डॉक्टर मोरपेन अच्छा है, मोरपेन नहीं आ रहा है, क्या हो गया मोरपेन में, ई नहीं लगेगा क्या, नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, मोरपेन पेन था, पेन लिख दिया था क्या मैंने, चलिए यहाँ मोरपेन आ गया और 59 रुपये 59 पे आपने लिया है, थोड़ा सा नीचे, तो जिस लेवल पे आपने लिया ना वही लेवल इसका रेजिस्टेंस जोन है 60 रुपीज़, 60 को ब्रेक करेगा देन 65 तक जाएगा, और नीचे स्टॉप लॉस आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो 55 का लगाइए, थोड़ा बड़ा लगाना है तो 50 रुपीज़ का लगाइए, सेफ थोड़ा 50 का चलेगा, और टारगेट ऊपर रेजिस्टेंस है आपका 60 रुपये का, ये ब्रेक करेगा तो 65 से 70 तक जाएगा, स्टॉप लॉस आप 55 का लेके चल सकते हैं इस कंडीशन में मोरपेन में। और इसके बाद जो लेवल है अगला स्टॉक है, अगला स्टॉक है सुनील जी का तो जवाब दे दिया है, ओके अगला स्टॉक है विवेक कुमार साहब ने अमृतसर से लिखा है, पंजाब से, इमके को बाय किया था 73 पर, ओके और नाथ बायो को 412 पे, PBR लिया है 1312 पे, बोडल केमिकल 109 रुपये पे लिया है, सारे का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। तो इमके चलिए हम लोग इमके को देखेंगे, इमके और आ गया इनके, आपने इन्होंने लिया है 73 पे, बहुत बढ़िया 73 पे लिया, स्टॉप लॉस आप 70 रुपीज़ का लगाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की साइड में वेट करिए कम से कम 90 रुपीज़ का ब्रेकआउट होने का, वो प्रॉब्लम है इसको, अगर 90 रुपीज़ का ब्रेकआउट नहीं आएगा तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि तब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल टॉप बना के वो गिरने की कोशिश कर जाएगा, तो 90 रुपीज़ का ब्रेकआउट अगर आता है तो 100 के लेवल दिखाएगा, नीचे स्टॉप लॉस छोटा सा लगा लीजिए 70 रुपीज़ का। नाथ बायो आपने 412 पे लिया है, नाथ बायो तो मैंने मेरे साथ टारगेट भी आ गया था, नाथ बायो मैंने दिया था, ठीक है चार, हाँ यही यहीं पे तो मैंने दिया था शायद, है ना, और ऊपर रखिए 440, 440 के रेजिस्टेंस को अगर नाथ बायो ब्रेक करता है 460 से 480 तक के टारगेट आपको नाथ बायो दिखाएगा, पहला ये बात हो गया। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस 380 रुपये का लगा के आपको नाथ बायो में रखना पड़ेगा। PBR 1312 पे लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, PBR लिया है तो होल्ड रखिए, 1312 रुपये पे आपने लिया है, 1300 पे चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है PBR अभी पकड़ करके, अभी देखिए अनलॉक होगा तो ये सारे स्टॉक्स जाने की फिराक में रहेंगे, PBR सिनेमा हॉल खुलेगा तो अब देखिए ऊपर के साइड में है 1310 वही रजिस्टर जो आपने लिया ना 1312 पे लिया है कि या 1312 पे, ठीक है 1312 पे लिया है तो ऊपर 1300 वही लेवल रेजिस्टेंस है, 1312 1315 1320 यही सारे लेवल, अगर वो कटता है अपसाइड में तो फिर ये 1400 के लेवल दिखाएगा, लेकिन मुझे लगता है आपने 1212 पे लिया होगा, लेकिन ठीक है तो 1400 का वेट करिए, स्टॉप लॉस 1200 रुपये का लगा कर रखिए। और यहाँ क्या है बोडल केमिकल, वो आपने लिया है 109 रुपये पे, तो चलिए बोडल को चेक कर लेते हैं, केमिकल सेक्टर अच्छा काम कर रही है, 109 रुपये पे आपने लिया, स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ का लगाइए, 110 का रेजिस्टेंस है, 110 को ब्रेक करेगा 120 130 तक के टारगेट आपको बोडल केमिकल दिखाएगा। तो ये मेरा व्यू है आपके इस लेवल पर, आपने 109 पे लिया ना, बिल्कुल वही लेवल है जहां से लिया, 110 रुपये का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल वही लेवल है, ठीक है आगे बढ़ता हूँ। संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग आई हैव परचे, ये सारे आप लोगों ने मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सवाल भेजे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों का जिन लोगों ने मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू भेजा है। गुड इवनिंग आई हैव परचे GSPL, ठीक है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ठीक है 285 जयकॉर्प 109 मोइल 165 इंजीनियर्स इंडिया 85 इन्फीबीम एवेन्यू 44 प्लीज प्रोवाइड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। इससे पहले मैं आपका वीडियो स्विंग ट्रेडिंग में बैंको प्रोडक्ट एंड एशियन गेटो पर पोजीशन बनाया है, प्लीज़ सजेस्ट व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो सर उसमें जो पोजीशन बना लिया तो उसके टारगेट और स्टॉप लॉस क्लियरली मैंने बताया है ना, उसमें क्लियरली बैंको में बताया हुआ है, एशियन ग्रेनिटो में बताया हुआ है कि आपको किस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना है, किस लेवल पे टारगेट लगाना है, तो उसका वेट करें प्रॉपर जो भी आएगा। आई हैव अभी पहले स्टॉक को चेक कर लेते हैं, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट 285 पे लिया, इसका लेवल इधर भी मैंने दिया है सर, और इसको तो मैंने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले में भी रखा था गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ रखा है
285 पे आपने लिया, देखिए सर जिस लेवल पे आपने लिया है ना वही लेवल इसका रेजिस्टेंस है, 290 का इसका रेजिस्टेंस जोन है। 290 को ये ब्रेक करेगा देन 320 तक के टारगेट देगा। स्टॉप लॉस 260 रुपये का लगा के यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा, एसएल 260 का लगाना होगा। जैक कॉर्प 109 पे लिया है, तो चलिए हम लोग जैक कॉर्प को भी देखेंगे। और जैक कॉर्प का जो लेवल है 109 रुपये पे लिया, ठीक है। अब 116, 117 ये सारे रेजिस्टेंस जोन है जैक कॉर्प के। 116, 117 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड में आएगा तो आपको ये 125 और 130 के टारगेट दिखाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस जो है ना इस कंडीशन में 100 का लगा के फिलहाल आपको रखना पड़ेगा जैक कॉर्प में। और अगला स्टॉक है आपका मोइल, ये तो मैं निफ्टी फार्मा आईटी वाला में बताता रहता हूँ, मेटल स्टॉक्स एनालिसिस में। मोइल 165 पे आपने लिया हुआ है, चलिए मोइल को 165 के पास में लिया है, बढ़िया। तो ये तो मैं कुछ निफ्टी फार्मा आईटी में बताता रहता हूँ, उसके मेरे टारगेट भी आ गए थे अपसाइड में यहाँ 195 वाला। अब दोबारा से ये 180 अगर ब्रेक करे देन फिर से अगेन वो 200 तक के टारगेट दिखा सकता है। स्टॉप 160 रुपये का लगा के रखना पड़ेगा मोइल में। इंजीनियर्स इंडिया 85, ओके इंजीनियर्स इंडिया, ठीक है। इंजीनियर्स इंडिया को शॉर्ट में कुछ बोलते हैं क्या, इंजीनियर्स कुछ तो बोलता होगा, चलिए इंजीनियर्स इंडिया आपने यहाँ पे आ गया, वो लिया है आपने 85 पर। 80 वो ये तो प्रॉब्लम में है थोड़ा सा, ये तो प्रॉब्लम में है। देखिए सर बहुत क्रूशल लेवल पे है, 80 के नीचे अगर ये आ गया, 80-82 के नीचे अगर ये रुक गया तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से फिर इसका ट्रेंड हो सकता है इंजीनियर्स इंडिया अगर निगेटिव हो जाए। लेकिन अगर ये 88 को ऊपर ब्रेक कर गया, कल मान लेता हूँ मंडे है कल, और यहाँ से ये बाउंस आ गया ऊपर, तब आप होल्ड रखिएगा। और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 80 रुपये का लगा के चल सकते हैं। लेकिन अगर ये 80 को ही नीचे ब्रेक कर गया तो फिर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप निकल जाइएगा सर, क्योंकि फिर वहाँ से 76 तक गिर जाएगा तुरंत। इन्फीबीम 44, तो सर इन्फीबीम में अभी बने रही है ना, इन्फीबीम में इतना जल्दी क्या है, 44 पे लिया है, ठीक है बने रही है। 44 पे लिया है, 45 पे चल रहा है, ऊपर का हाई लगाया 47 के आसपास का, 42 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रखिए। और अगर ये 48 को अपसाइड में ब्रेक करे देन 50-52 तक के टारगेट आपको इन्फीबीम दिखाएगा। तो ये आईटी स्टॉक्स है, अभी मूवमेंट आएगा आईटी में, तो मूवमेंट अभी चल भी रहा है तो पकड़ के रखिए। लेवल अगर कटते हैं 48 के दोबारा से तो अच्छा टारगेट आपको दिखाएगा इन्फीबीम। और है एशियन गेटो, और उसका तो बताया हुआ, और साथ ही बैंकों का भी बताया हुआ टारगेट स्टॉप लॉस सारे चीज़ उसमें बताए हुए हैं, है ना। एशियन ग्रेनेटो हो जाए, यानी एशियन टाइल्स की बात कर लें, ये टाइल्स कंपनियों में एशियन टाइल्स बेहतरीन है। देखिए शानदार ब्रेकआउट आ रहा है, शानदार लेवल है, कटेगा और 220-240 तक के टारगेट फटाक से फेंकेगा आपको एशियन ग्रेनेटो, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है एशियन ग्रेनेटो में। बैंक पकड़ के रखिए, बैंक को भी दिया उसी तरह का स्टॉक्स, काफ़ी शानदार मूवमेंट में बैंक को शानदार मूवमेंट आया, ऊपर की तरफ 180 के साइड में हाई लगाया। उसका जो लेवल है बैंकों का, हमारा बैंकों का पहला टारगेट 180 के आसपास था, आप देखें यहाँ पर फर्स्ट टारगेट के पास ठीक वहाँ स्टॉक पहुँचा, 179 का हाई लगा। तो अगर यहाँ पे बुक किया हो तो अच्छी बात है, नहीं बुक किया तो होल्ड के स्टॉप लॉस थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, 150 के आसपास का मॉडिफाई करके चलिए। लेकिन अगर 150 कट जाता है तो फिर रुकने का कोई फायदा नहीं, फिर आप निकल जाइएगा। हाँ अगर ये 160 के ऊपर निकल जाता है देन फिर होल्ड करके रखे रहिएगा, वापस से फिर वो लेवल आते हुए आपको बैंकों में दिखाई देगा। तो ये व्यू है, आगे बढ़ूंगा। वेस्ट बंगाल बर्दवान से मृत्युंजय बनर्जी साहब ने लिखा है कि जिंदल स्टील एंड पावर यानी GSPL को इन्होंने 433 पे लिया है, टाटा स्टील BSL को 99 पर, सेल 124 में। प्लीज टेल मी SL प्राइस, आपके रिकमेंडेशन से माइंडट्री बैंको प्रोडक्ट में प्रॉफिट मिला, थैंक्स। ओके सर, देखिए संजय जी बैंकों के बारे में पूछ रहे थे, इन्होंने प्रॉफिट भी ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, GSPL यानी जिंदल स्टील पावर को सबसे पहले देखेंगे, 433 रुपया पे लिया है GSPL को। चलिए जिंदल स्टील पावर, शॉर्ट नेम लिखते तो आता नहीं है, जिंदल स्टील पावर ये है ना, 433 पे लिया, 433 पे लिया। ओ अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, 433 पे अगर आपने लिया है सर तब तो आप बहुत मुसीबत में, तो अंतिम मुसीबत इसके लिए बनेगा 360, 360 अगर ब्रेक करेगा तो बड़ा मुसीबत हो जाएगा। इसलिए याद रखिए 360 को अगर ये ब्रेक कर जाता है देन आपको निकल जाना होगा। हाँ लेकिन जिस तरह का ये पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जिस तरह का ये लेवल क्रिएट कर रहा है, ये मुझे लग रहा है बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अगर वापस से ब्रेक कर जाता है 420 को
जिंदल स्टील पावर देन 440-480 के टारगेट आपको फिर से दिखाएगा। टाटा स्टील BSL, ओके टाटा स्टील BSL आपने लिया, मैं डायरेक्ट BSL लिखता हूँ, 99 पे लिया टाटा स्टील BSL, ठीक है 99 पे लिया, ठीक है होल्ड रखिए टाटा स्टील BSL। 90 का स्टॉप लॉस लगाइए, आप 88 का भी लगा के चल सकते हैं, 85 का भी। ऊपर की साइड में अगर 100 को दोबारा ब्रेक करे टाटा स्टील BSL देन होल्ड रखिएगा 110 के टारगेट के लिए। आपने लिया कितना है 99 पे, ठीक है। सेल 124, सेल को आपने 124 पे लिया है, सेल चलिए 124 पे लिया है तो 130 का रेजिस्टेंस है सर इसके पास, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 130 को अगर ये ब्रेक करेगा देन आपको ये 140 के टारगेट दिखाएगा। नीचे जिस जगह पे ये बैठा हुआ है वही इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हो जाता है नीचे का जोन 115 रुपये, ये निकल जाइएगा, नहीं तो फिर ये और नीचे गिर जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, ठीक है वो स्टॉप लॉस रहेगा आपका। तो चलिए ये हो गया मृत्युंजय जी के सवालों का जवाब, आगे बढ़ूंगा अगला सवाल लूंगा। और अगला सवाल है, हाउ आर यू, मैं फाइन हूँ सर, बढ़िया। पार्थ जी वलसाड से लिख रहे हैं, पार्थ जी वलसाड गुजरात से लिख रहे हैं, आई हैव गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 172 है ना, 172 रुपये के प्राइस पे लिया हुआ है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर इट एंड व्हाट द लेवल फॉर आई कैन एड फर्दर क्वान्टिटी। सेकेंड आई हैव शालीमार पेंट्स 115, ओके शालीमार पेंट्स और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को लिया हुआ है। चलिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को चेक करें। सर मैंने गुजरात अंबुजा को लॉन्ग टर्म के लिए दिया, अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने 17 स्टॉक्स बताए थे, सारे गुजरात की कंपनियां ही थी, उसमें मैंने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को भी रखा हुआ था। और आपने जो लिया है 172 के भाव पे लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर ये सर 150 के पास मिलता है, आपको ऐड करने की बात है ना क्वांटिटी, तो 150 के पास अगर मिलता है दिस इज बेस्ट जगह, बढ़िया जगह है, अच्छा जगह है जहाँ पे आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं 150 के पास में पहला। या अगर ये 180 को ऊपर निकलता है देन आप यहाँ पे भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो या तो ये 150 के पास मिले या ये 180 के ऊपर निकले तब पोजीशन ऐड करेंगे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में। ये आपको आगे के समय में अच्छे टारगेट दिखाएगा, बड़े टारगेट दिखाएगा। अगर ये 180 ब्रेक कर जाता है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट तो आपको अच्छे लेवल देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ये गया, तो व्हाट इज द शॉर्ट टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट से 220 तक का होगा लेकिन 180 को ब्रेक करेगा तब। और लेवल कहाँ ऐड करना है वो बता दिया, शालीमार पेंट्स 115 पे लिया है। चलिए शालीमार पेंट्स भी हम लोग चेक करेंगे, शालीमार पेंट NEC वाला नहीं है, BSE वाला है ना, 115 पे लिया, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही बढ़िया। आप 120 का एक हर्डल है इसको, 120 को जैसे ही ब्रेक करेगा शालीमार पेंट आप देखेंगे ये एक अच्छे लेवल आपको दिखाएगा और 150 तक का टारगेट दिखाने की क्षमता रखता है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा शालीमार पेंट्स में, 120 के ऊपर निकलेगा मूवमेंट स्टार्ट करेगा 130-140 के टारगेट के लिए। अभी मैं चाहूँगा कि इसको होल्ड करके इसलिए भी रख सकते हैं क्योंकि देखिए इसके बाद जो है ना दिवाली का आएगा मामला, तो दिवाली तक इसको पकड़ के रखिए। मेरे ख्याल से मूवमेंट करेगा शालीमार पेंट्स, स्टॉप लॉस लेकिन लगा लीजिएगा 100 का। हाँ 100 के पास अगर मिल भी जाता है तो और रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, एकुमुलेट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और भी शालीमार पेंट्स में। तो ये था पार्थ जी का सवालों पे मेरा अपना व्यू, और ये सवालों का सिलसिला 118वां एपिसोड हो गया कंप्लीट, ये अंतिम सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जिनके भी सवालों के जवाब सेलेक्ट हुए वो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, और वो वाला वीडियो नहीं देखा है अगर एंट्री लेवल कैसे निकालें तो जरूर देखिए, काफ़ी एजुकेशनल वीडियो और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने का मैंने वहाँ पर कोशिश किया है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।